आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं जाइलम क्या होता है एंड फ्लोएम क्या होता है। इन दोनों के बीच अपन को क्या कन्फ्यूजन रहती है कि जाइलम का क्या काम रहेगा, फ्लोएम का क्या काम रहेगा, ये किन से मिलके बने होते हैं, ये बहुत सारे डाउट होते हैं जो आज अपन इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जाइलम क्या होता है, व्हाट इज द जाइलम। तो देखिए जाइलम किसका बना होता है, मेड अप किससे मिलके बना होता है, डेड सेल्स मिलके क्या बनाती है, जाइलम का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ये किसके पार्ट होते हैं, तो ये सबके सब किसके होते हैं, टिश्यू आपने पढ़ा होगा, टिश्यू के ऊपर मैंने एकदम पर्टिकुलर डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए जो जाइलम होता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये टिश्यू वाला चैप्टर देखोगे आप तब आपको समझ में आ जाएगा, तो किसके पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट आ जाते हैं। तो जाइलम किसका बना होता है, डेड सेल्स, बहुत सारी डेड सेल्स आपस में मिलकर किसको बनाती है, जाइलम को बनाती है। अब देखिए जाइलम का फंक्शन क्या रहता है, काम क्या रहता है, तो नाम से पता देखिए आप, जाइलम देखिए जाइलम में हिंदी में दिखे तो जाइलम, जाइलम तो जैसे क्या होता है, जाइलम हो गया, और जैसे ही क्या हो जाता है, जल मतलब वॉटर, क्या हो गया, वॉटर। तो जाइलम क्या करता है, वॉटर एंड मिनरल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जाइलम का काम क्या हो गया, ये क्या करेगा, रूट से क्या करेगा, रूट से लीफ तक क्या लेके जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स को ले जाने का काम करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। और क्या होता है, इसके साथ ही जो जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, मतलब एक बार वाटर यदि रूट से लीफ की ओर चला गया तो लीफ से वापस रूट की ओर वाटर नहीं आएगा, ओनली फॉर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, एक तरफा प्रोसेस होती है जो रूट से लीफ तक वाटर को ले जाने का काम करता है, कौन, जाइलम। जाइलम का सिंगल फंक्शन क्या हो गया, ये only for root से leaf की ओर water को ले जाने का काम करता है, मतलब क्या हो गया, ये एक unidirectional process होगी। और जो जाइलम होता है ये प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। जाइलम क्या करता है, प्लांट ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो जाइलम आपको क्लियर हो गया, अब बात कर लेते हैं अपन फ्लोएम की। तो देखिए फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है, फ्लोएम बना होता है लिविंग सेल से, किससे मिलके बना होता है, लिविंग सेल से, और जो जाइलम होता है वो डेड सेल से मिलके बना होता है। अब जो फ्लोएम होता है, अब देखिए इसका भी नाम हिंदी में रखिए, फ्लोएम, एफ फ्लोएम, तो फ्लोएम से क्या हो गया, फ से फल और फ्लोएम से फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, फल, फल को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम जल को करेगा, फ्लोएम किसको करेगा, फल को करेगा, ऐसे याद रखिए, जाइलम जल को और फ्लोएम फल को, तो जल को वाटर बोल देंगे और फल को फूड बोल देंगे। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब कैसे करता है, लीफ में फूड बनता है, क्योंकि फूड कहां बनता है, लीफ में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो लीफ से रूट तक या अपन बोले प्लांट के जितने भी ऑर्गन है वहां तक क्या करता है, जो फ्लोएम होता है यही फूड की क्या करता है, सप्लाई करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब फूड को ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, लीफ में बन रहा है और रूट तक भी जाएगा, मतलब प्लांट के जितने भी ऑर्गन होंगे वहां तक क्या जाएगा, जाइलम के थ्रू ही फूड का ट्रांसपोर्ट होएगा। अब फूड जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब एक बार यदि फूड है ये लीफ से रूट तक चला गया तो रूट से वापस लीफ तक फूड आ सकता है, दैट्स क्लियर। तो क्या हो गया, जो जाइलम की जो प्रोसेस है वो तो क्या थी, यूनिडायरेक्शनल थी, मतलब एक दिशा थी, और जो फ्लोएम की प्रोसेस है ये क्या है, बाई डायरेक्शनल, मतलब द्विदिशीय की प्रोसेस होती है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जाइलम और फ्लोएम का मतलब, फ्लोएम क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगी, जैसा कि आप डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि जाइलम क्या कर रहा है, मतलब जो फ्लोएम है ये क्या कर रहा है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, बस आप इतना याद रखिएगा, जाइलम से जल, फ्लोएम से फल, तो जल को क्या बोल देंगे, वाटर बोल देंगे, और फ्लोएम को फल बोल देंगे, फूड बोल देंगे। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गया होगा, जो ये टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं, थैंक यू।